हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके साथ में और एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन वाला मंगलसूत्र लेके आए। ये देखिए, इस तरह का मंगलसूत्र बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया पेंडेंट, गोल्ड मोती, ब्लैक मोती, यहाँ पर लिया है सुई और धागा। यहाँ पर मैंने धागे को फोल्ड करके इस तरह से डबल लेयर धागा लिया है। पहले एक सुई में इस तरह से हमें एक गोल्ड और तीन ब्लैक मोती पुरो लेना है, और इस तरह से पकड़ते हुए ये वाली सुई से हमें ये देखिए पुरो लेना है, और ऐसा से दोनों साइड खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। ये देखिए, फिर से यहाँ पर हमें दो गोल्ड और दो ब्लैक मोती इस तरह से पुरो लेना है, और ये वाली सुई से इस तरह से हमें सुई में से इस तरह से धागे को पुरो लेना है, और ऐसा से दोनों साइड खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। फिर से यहाँ पर हमें चार गोल्ड मोती लेना है। ये देखिए, इस तरह से पकड़ते हुए ये वाली सुई से हमें ये देखिए पुरो लेना है, और ऐसा से दोनों साइड खींचते हुए ये देखिए इस तरह से ऊपर की ओर ले जाना है। फिर से इसी तरह से हमें दो गोल्ड और दो ब्लैक मोती लेना है, और इसी तरह से पुरो लेना है। ये देखिए, फिर से यहाँ पर हमें एक गोल्ड और तीन ब्लैक मोती पुरो लेना है, और इस तरह से पकड़ते हुए ये वाली सुई से पुरो लेना है। ये देखिए, और इस तरह से खींचते हुए दोनों धागों को इस तरह से ऊपर की ओर ले जाना है। फिर से यहाँ पर हमें चार ब्लैक मोती लेना है, और इस तरह से पकड़ते हुए इसी तरह से हमें पुरो लेना है। ये देखिए, और ऊपर की ओर इस तरह से खींचते हुए ले जाना है। फिर से यहाँ पर हमें चार ब्लैक मोती लेना है, फिर से इसी तरह से पुरोना है। ये देखिए, इस तरह से फिर से यहाँ पर हमें चार ब्लैक मोती लेना है, फिर से इसी तरह से पुरो लेना है। फिर से यहाँ पर हमें तीन गोल्ड मोती लेना है, और इस तरह से पकड़ते हुए ये वाली सुई से पुरो लेना है। ये देखिए, और इस तरह से दोनों साइड खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाना है। फिर से यहाँ पर हमें तीन गोल्ड मोती लेना है, फिर से इसी तरह से पुरो लेना है। ये देखिए, फिर से यहाँ पर हमें चार ब्लैक मोती लेना है, और इस तरह से पकड़ते हुए ये देखिए इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें पुरोते जाना है मोतियों को बराबर। ये देखिए, फिर से यहाँ पर हमें चार ब्लैक मोती लेना है, फिर से इसी तरह से पुरो लेना है। देखिए, फिर से चार ब्लैक मोती लेना है, इसे भी हमें पुरो लेना है। यहाँ पर हमें एक गोल्ड और तीन ब्लैक मोती पुरो लेना है, और इस तरह से पकड़ते हुए ये वाली सुई से पुरो लेना है। फिर से यहाँ पर दो गोल्ड और दो ब्लैक मोती पुरो लेना है, फिर से यहाँ पर चार गोल्ड मोती पुरो लेना है। ये देखिए, फिर से यहाँ पर हमें दो गोल्ड और दो ब्लैक मोती पुरो लेना है, फिर से इसी तरह से हमें पुरोते जाना है। फिर से यहाँ पर हमें एक गोल्ड और तीन ब्लैक मोती पुरो लेना है। ये देखिए इस तरह से, फिर से यहाँ पर हमें चार ब्लैक मोती पुरो लेना है, फिर से यहाँ पर हमें इसी तरह से ब्लैक मोती पुरो लेना है। ये देखिए, तीन लेयर हमें ब्लैक मोती की बनाना है। यहाँ पर अभी हमें दो लेयर गोल्ड मोती की बनाना है। ये देखिए इस तरह से, फिर से यहाँ पर हमें ब्लैक मोती की लेयर बनाना है। यहाँ पर हमें तीन ब्लैक मोती की लेयर बनाना है। ये देखिए, इसी तरह से हमें पुरोते जाना है। आपको जितना लॉन्ग चाहिए आप अपना मोतियों को बढ़ा सकते हो। ये देखिए, इतना हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन बना लिया है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी बना लेना है। यहाँ पर मैंने दूसरी साइड बनाकर पेंडेंट को लगा दिया है। हमें ये साइड भी पेंडेंट को लगा देना है। पहले हमें सुई को इस तरह से पुरो लेना है। ये देखिए, और सुई को इस तरह से निकाल देना है, और बीच में से पकड़ते हुए हमें पीछे की साइड इस तरह से पुरो लेना है, और ऐसे ऐसे ऊपर खींचना है। यहाँ पर हमारा पेंडेंट अच्छे से फिक्स हो जाएगा।
मोतियों को इस तरह सामने की ओर लाना है हमें। ये देखिए यहाँ पर अभी हमें पीछे दोनों साइड स्क्रू को लगा लेना है। पहले पीछे सुई को बांध कर हमें स्क्रू को पुरो लेना है। स्क्रू के बराबर हमें अच्छे से नॉट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी स्क्रू को लगा लेना है। यहाँ पर हमने दोनों साइड स्क्रू लगा लिया है। एक्स्ट्रा धागा हमें कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारा आज का ये बहुत ही खूबसूरत मंगलसूत्र डिज़ाइन तैयार है। आपको जितना लॉन्ग चाहिए आप अपना मोतियों को बढ़ा सकते हो। तो आपको आज की ये डिज़ाइन कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। आपको मेरे चैनल पर और भी बहुत से खूबसूरत मंगलसूत्र की डिज़ाइन मिलेगी, आप जाकर देखना। आपको और भी किस तरह के मंगलसूत्र देखना है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो।